आया था कि साजन पठान के द्वारा विनेंद्र के खिलाफ एक परिवाद आदर्श नगर थाने के अंदर दर्ज हुआ है, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल सुरेश चंद द्वारा की जा रही है। उक्त परिवाद के अंदर दोनों आपसी एक ही कंपनी और वो चालक था जो साजन पठान है वो उसका। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर थ्री व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। 1 सितंबर को एसीबी चौकी अजमेर के अंदर एक परिवाद विनेंद्र द्वारा दिया गया था। उक्त परिवाद में बताया था कि साजन पठान के द्वारा विनेंद्र के खिलाफ एक परिवाद आदर्श नगर थाने के अंदर दर्ज हुआ है, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल सुरेश चंद द्वारा की जा रही है। उक्त परिवाद के अंदर दोनों आपसी एक ही कंपनी और वो चालक था जो साजन पठान है वो उसका चालक है, और इनके आपसी के अंदर 2,60,000 रुपये का कोई पैसों को लेकर विवाद था। उक्त विवाद के अंदर राजीनामा भी हो गया, जैसा कि परिवादी ने बताया। उक्त मामले के अंदर आज एसीबी न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई और अभियुक्त सुरेश चंद को जमानत रिहा करने के आदेश फरमाए गए हैं। उक्त अभियुक्त की तरफ से आज मुख्य बिंदुओं को रखते हुए श्रीमान न्यायालय के समक्ष रखा और श्रीमान न्यायालय ने जमानत के आदेश फरमाए। एडवोकेट बरजेंद्र राठौड़, यह है आज 29 तारीख की, आज ही सुनवाई की गई 29 अक्टूबर को। अच्छा, ठीक है।